सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दो। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बिजली का बिल माफ करने के लिए प्रदर्शन किया है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा कोरोना महामारी के चलते जनता के छमाई के बिल माफ करने के संबंध में फूलबाग चौराहे से लक्ष्मी समाधि तक रैली निकाली गई। एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन कर पुलिस के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो लक्ष्मी बाई समाधि पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी लगातार प्रदर्शन करती आई है, और जैसे ही प्रदर्शन की जानकारी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को हुई, तो तत्काल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंच गए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से ज्ञापन लेने के पश्चात उन्हें अच्युत आश्वासन दिया गया। आश्वासन के बाद ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया। तो ग्वालियर से हमारे सहयोगी आलोक सक्सेना की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने ज्ञापन दिया, इसलिए हम विश्वास कर सकते हैं कि बिजली के बिल माफ, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम जो है समाधान योजना लाएंगे और बिजली के बिल माफ करेंगे। लेकिन प्रदेश की सरकार की जो अभी तक की जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए इसकी नीयत पे संदेह है प्रदेश सरकार की, लेकिन मंत्री महोदय के आश्वासन पर हम लोग मानते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित किया जा रहा है। लेकिन अगर जल्दी ही जनता के बिजली के बिल अगस्त माह तक के माफ नहीं किए जा रही है, तो आने वाले दिनों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पुनः सड़क को उतरकर आंदोलन करने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने रामदास जी, अखिलेश जी, हमारे जाटव साहब सब ने समस्या बताई है। हमारी सरकार माननीय शिवराज सिंह सरकार ने पहले से ही ये बिल स्थगित कर दिए हैं, और हम आने वाले समय में उनको आश्वस्त किया है कि समाधान योजना ला करके इन बिलों का समाधान करेंगे, और कोई समस्याएं हैं उनके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, उनका समाधान करेंगे। ये सरकार जनता की सरकार।